आईसीसी ने मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में भारत के सिर्फ दो खिलाड़ी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को टीम का कप्तान बनाया गया है। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद सोमवार को आईसीसी ने मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम की घोषणा की। आईसीसी की इस टीम में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के सबसे ज्यादा चार खिलाड़ियों को जगह मिली है। वहीं फाइनल हारने वाली न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दो दो और बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है। साथ ही न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को टीम के 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को टीम की कमान सौंपी गई है। टीम में जिन दो भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उनमें सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। टीम के 11 खिलाड़ियों के इस वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इंग्लैंड के जेसन रॉय ने 63.28 की औसत से 443 रन, भारत के रोहित शर्मा ने 81.0 की औसत से 648 रन, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने 82.57 की औसत से 578 रन और इंग्लैंड के जो रूट ने 61.77 की औसत से 556 रन बनाए हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने 86.57 की औसत से 606 रन और 36.27 की औसत से 11 विकेट लिए हैं। वहीं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने 66.42 की औसत से 465 रन और 35.14 की औसत से 7 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने 62.50 की औसत से 375 रन बनाने के साथ 20 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में मदद की। गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क ने 18.59 की औसत से 27 विकेट, इंग्लैंड के जॉफ्रा आर्कर ने 23.05 की औसत से 20 विकेट, न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन ने 19.47 की औसत से 21 विकेट और भारत के जसप्रीत बुमराह ने 20.61 की औसत से 18 विकेट लिए हैं। टीम में 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने 28.17 की औसत से 17 विकेट लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।